रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि युवक की अपहरण के बाद हत्या का मामला पुलिस ने तीन अभियुक्तों को वाला कत्ल व हत्या में प्रयुक्त बाइक के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी राम सजीवन के भाई की मृतक ने 2004 में की थी हत्या। भाई की हत्या का आरोपी राम सजीवन ने अपने साथियों के साथ मिलकर लिया बदला। बछरावा थाना पुलिस ने तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक बार फिर बड़ी सफलता रायबरेली पुलिस को हासिल हुई है। वहीं अभी भी दो अभियुक्त रायबरेली पुलिस की पकड़ से है दूर। वहीं आइए जानते हैं रायबरेली एडिशनल SP ने क्या कहा, अभी सुनिए उन्हीं की जुबानी। 23 तारीख को बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुरबक्स खेड़ा पड़ता है, यहाँ के दीपक कुमार सनाफ राम खेलावन आकर के थाने पे एक तहरीर दिए कि उनका बड़ा भाई भारत जो 22 तारीख को शाम 8 बजे से राम सजीवन के साथ गया था अभी घर नहीं पहुंचा है। पुलिस ने इस सूचना पर समुचित धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर भारत लाल की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया। उस टीम का नेतृत्व हमारे CO महाराजगंज ने किया था और इंस्पेक्टर बछरावा उसमें उनका सहयोग कर रहे थे। हमारी सर्विलांस की टीम लगी और SWAT की भी टीम लगी, स्थानीय पुलिस भी लगी। उसमें कुल मिलाकर के जो घटना वर्कआउट हुई है उसमें ये आया है कि भारत लाल ने 2004 में एक मर्डर किया था जागेश्वर उर्फ मटरू का, जो राम सजीवन का भाई था। राम सजीवन ने उसी का बदला लिया और उसमें इसका सहयोग कौशल ने दिया था। कौशल चूँकि एक हफ्ते पहले कौशल की लड़ाई भारत से हुई थी तो इस घटना में वो भी शामिल था। तो सभी ने प्लान करके इसको ले जा करके सहंगों के जंगल, जो तेंदुआ का जंगल बोला जाता था, वहाँ रात को शराब पिलाया और 5 लोग इसमें थे, उन्होंने इसका मर्डर किया और सबको छिपाने के लिए बगल नाले में छिपा दिया। हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, शैलेंद्र, राम सजीवन और कौशल को। 2 लोग वांछित हैं जो राम सजीवन के रिश्तेदार हैं, दुर्गेश और प्रेम, और इनके साथ जो तलवार, जो मृतक को मारने में तलवार जो यूज हुई थी वो बरामद हो गई है, डंडा बरामद हो गया है और मृतक ने जो सोने की जंजीर पहनी थी वो बरामद हम लोगों ने कर लिया है। 3 लोगों को आज अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं और प्रेम, दुर्गेश वांछित चल रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही उनको गिरफ्तार करके हम लोग भेजेंगे जेल में।